असम में जनप्रतिनिधियों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में अब तक 22 जनप्रतिनिधि कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी क्रम में अब पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें आज जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। मंगलवार को जांच के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। डॉक्टरों की टीम ने उनके घर जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया, जिसके बाद उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तरुण गोगोई ने ट्वीट कर अपने संपर्क में आए सभी लोगों से तुरंत कोविड जांच कराने की अपील की है। तो असम में लगातार राजनेता कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अभी तक असम में 22 जनप्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसी क्रम में अब पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें जीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है। मंगलवार को जांच के दौरान उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें उनके घर जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया, जिसके बाद उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराने की सलाह दी गई। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तरुण गोगोई ने ट्वीट कर अपने संपर्क में आए सभी लोगों से तुरंत कोविड जाँच कराने की अपील की।